प्रदेश भाजपा मुख्यालय दीपकमल में जिला भाजपा की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस दौरान तीन अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। शिमला के चक्कर स्थित भाजपा मुख्यालय दीपकमल में जिला भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्य योजना बनाई गई। इस मौके पर भाजपा के जिला चुनाव प्रभारी सूरत नेगी मुख्य रूप से मौजूद रहे और पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। भाजपा के जिला चुनाव प्रभारी सूरत नेगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 ए हटाना कितना जरूरी था, इसको लेकर भाजपा प्रदेश भर में जन जागरण अभियान शुरू करेगी ताकि देश के लोगों को इसकी वास्तविकता पता चल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि 370 और 35 ए देश हित में हटाई गई है, लेकिन कांग्रेस इससे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जनता के बीच अफवाहें फैला रही है, जो कि सरासर गलत है। सूरत सिंह नेगी ने कहा कि बैठक में 370 और 35 ए के अलावा 14 से 20 सितंबर तक मनाए जाने वाले सेवा सप्ताह को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि आगामी समय में होने वाले भाजपा के संगठनात्मक चुनावों को लेकर भी बैठक में गहनता से चर्चा की गई। आज जिला शिमला जो संगठनात्मक दृष्टि से जिला हमारा शिमला है, जिसमें तीन विधानसभा आते हैं का जिला बैठक है, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा होगी इस देश के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार आर्टिकल 370 को जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, और 35 ए के बारे में हमने एक पूरे देश भर में योजना बनाई है कि जनता तक हम पहुंचाए कि ये मुद्दा क्या था, इसको हटाने की ज़रूरत क्या पड़ी। इसके लिए विधानसभा वाइज हम प्रमुख लोगों से 10 प्रमुख लोगों से संपर्क करेंगे, और उसके साथ साथ जो है जन जागरण अभियान हम पूरे प्रदेश के अंदर चलाने वाले हैं, उसकी रणनीति हम शिमला जिला के हम बनाने वाले हैं। और इसके साथ साथ सेवा सप्ताह के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी सेवा का कार्य करना चाहिए, इस दृष्टि से हमारे देश के प्रधानमंत्री परमेश्वर देव नरेंद्र मोदी जी ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार जो है 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ आप सभी के ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके 3 साल के बाद संगठनात्मक चुनाव होते हैं। इसी सिलसिले में आज पूरी योजना बनाई जाएगी, जैसे आप सभी के ध्यान में है कि हमारे जो चुनाव कब कब होने हैं, चाहे बूथ का हो, मंडल का, जिले का, प्रदेश का हो, आप सभी के ध्यान में है, उसकी भी एक रणनीति बनाई जाएगी। और कुल मिला के इन तीन विषयों पर आज ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।